हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पानी में ब्रेड डुबोकर भूख शांत की पर संघर्ष से नहीं घबराए भंडारी रतन। रमेश चंद्र भंडारी का संघर्ष युवाओं के लिए बहता हुआ स्रोत। मेहनत कर पाया एक मुकाम, आज बने भंडारी रतन। एक व्यक्ति का संघर्ष युवाओं के लिए प्रेरणा का बहता हुआ स्रोत है। भंडारी रतन के रूप में पहचाने जाने वाले रमेश चंद्र भंडारी की कहानी को सुनने के बाद ये बात 100% खरी लगती है। आज करोड़ों के व्यवसाय के मालिक रमेश चंद्र ने मुफलीजी के दिनों में दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष किया है। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भंडारी ने बताया कि कुछ दिन ऐसे गए जब इतने ही पैसे थे कि या तो दो ब्रेड खा सकता था या एक चाय पी सकता था। ऐसी विकट परिस्थिति में एक गिलास में पानी लिया और दो ब्रेड को खरीद कर डुबो डुबो कर जट रागिनी को शांत किया। संघर्ष के दिनों में बड़ी मुश्किल से चूल्हे चौके जितने पैसे जमा पाते थे, लेकिन हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत कर एक मुकाम को हासिल किया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा और पैसे वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे प्राणी मात्र की सेवा में हमेशा खर्च करना चाहिए और विशेषकर कन्या विद्या और मजदूर तबके के लोगों के लिए मदद रूपी कदम बढ़ाने चाहिए। आज भी कई विद्या महिलाओं को हर महीने मदद करते हैं, लेकिन उनके नाम किसी को नहीं बताते। उन्होंने कहा कि गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर व जयंत सेन सुरेश्वर के आशीर्वाद व गच्छा दीपति नित्य सेन सुरेश्वर महाराज की प्रेरणा से उनके जीवन में अध्यात्म की भी उजाला है। हर धर्म का सम्मान करने की भी इच्छा व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, लेकिन खून सबका एक ही रंग का होता है। ऐसे में ये हिंदुस्तान विश्व का सबसे बेहतरीन देश है, जहाँ वसुदेव कुटुम्बकम और धर्म निरपेक्ष परंपरा आज भी जीवित है। बहुत आभार है कि गुरुदेव ने चात्र मास का निवेदन स्वीकार। रमेश चंद्र भंडारी ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि नित्यानंद सुरेश्वर महाराज ने श्री त्रिस्तुतिक जैन संघ जालौर के निवेदन को स्वीकार कर जालौर के बड़ा न्यायती नोहरा में चातुर्मास करने की हामी भरी। जालौर वासियों के लिए ये सौभाग्य भरा है। आज भी पूरे देश में कई राज्यों में स्थित संस्थाओं मंदिरों की पदाधिकारी है और उनका एक ही उद्देश्य है कि मानव सेवा में हमेशा तलीन रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं को भी संदेश दिया कि मुश्किल परिस्थितियों में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता हुआ, ईश्वर में विश्वास रखता हुआ, अपने चातुर्य बल पर गर्व करता हुआ एवं मानव सेवा के उद्देश्य को दिल में रखता हुआ मन लगाकर काम करे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में धन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। संतों का सानिध्य और अध्यात्म का मार्ग एक अलग ही आनंद प्रदान करता। दुकान को खाली बॉक्स से भरा ताकि दुकान भरी हुई लगे। उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत के दिनों की बात को याद करके बताया कि माँ पद्मावती के मंदिर में दर्शन करने के बाद जब उनके एक मित्र ने उन्हें कहा कि ये गोदाम में आप दुकान लगा दो, तो एक बार विश्वास ही नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि साफ शब्दों में कहा कि मेरे पास एडवांस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब आए तब दे दे। लेकिन यहाँ तक सब कुछ सही नहीं था, दुकान में माल भरने के लिए भी पैसों की जरूरत। ऐसे में मेडिकल फार्मा का काम शुरू किया तो रात तो दूसरी दुकानों के लोग दवाइयों के खाली बॉक्स बाहर फेंक देते थे। उन खाली बॉक्स को लेकर मैं अपनी दुकान पर आता और उन्हें दुकान में रैक पर जमाता था ताकि ऐसा लगे कि दुकान माल से भरी हुई है। धीरे धीरे माँ पद्मावती व गुरुदेव के आशीर्वाद से दुकान चलने लगी और व्यापारिक उन्नति होने लगी। जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि संघर्ष ही जीवन है। किसी भी व्यक्ति को मुश्किल घड़ी में घबराना नहीं चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेहनत करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। अपने माता पिता का पूरा सम्मान एवं सत्य का सहारा लेते हुए कर्म करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जागरूक टीवी की जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।